एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल रोज रेगुलर जा रहा है, बहुत अच्छा है, खुश है। सडनली वो बच्चा बोलता है मुझे अब स्कूल नहीं जाना। ये बहुत छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स हैं बुलिंग के समझने के कि कुछ सही नहीं हो रहा बच्चे के साथ स्कूल में। अब अगर हम सुसाइडल केसेस की बात करते हैं, लोगों को लगता है सुसाइड पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा, उसे समझ नहीं आया, उसने सुसाइड कर लिया, तेरे पास आर्ट्स है तू साइंस नहीं ले पाया। हाँ। मतलब मुझे ये इतनी हंसी आती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये है। वो बच्चा आया, उसने बोला मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो उसकी मदर ने उसको देखा और बोला अरे क्या हो गया, अच्छा आराम से स्कूल से आयो, रिलैक्स करो, खाना खाओ और सो जाओ थोड़ी देर। तो जैसे आप गुस्से में बोलते हो ना, ठीक है मैं तो फिर रहूंगा ही नहीं, वो जब तक ऊपर जाती है बच्चा बालकनी से जंप कर दिया, चल यार आज कहीं एक राउंड पे चलते हैं, चल यार एक राउंड पार्क का काट के आते हैं, चल और कुछ नहीं कार राउंड पे चलते हैं, चल हम दोनों एक आइसक्रीम खा के आते हैं। बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको लगता है यार यही बंदा है मेरा, रेस्ट इज नथिंग। बच्चे को बच्चा ही रहने दो, उस बच्चे को बड़ा मत करो, वो बड़ा ऑलरेडी है एनवायरनमेंट में, वो बड़ा ऑलरेडी है अपने स्कूल में, वो ऑलरेडी बड़ा है उन सिचुएशंस के साथ। नमस्ते। बचपन जिससे जुड़ी होती हैं बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जो ताउम्र हमारे साथ रहती हैं। इन्हीं यादों में होता है हमारा स्कूल भी, जहां हम जिंदगी के अहम पड़ाव से गुजरते हैं। इसमें शामिल होते हैं हमारे यार दोस्त, उनकी छींटाकशी जो कभी कभी हमारी खुशी को खामोशी में बदल देती है, जैसे कि तू मोटा है, तू छोटा है, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमसे गलती से हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो उसका मजाक बनाए, और यही किस्से हमारे जहन में बैठ जाते हैं जिसे उबरना मुश्किल हो जाता है, और तब जरूरत पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आज के इस मॉडर्न दौर में एक्सपीरियंस काउंसलर या एडवाइजर को जिनकी काउंसलिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या हमें ऐसे अच्छे और एक्सपीरियंस काउंसलर मिल जाएंगे जिन पर हम ट्रस्ट कर सकें, अपने दिल की हर बात बता सकें? शायद हाँ। और ऐसी ही एक काउंसलर हमारे साथ आज हैं, नेहा कुकरेजा जी। तो चलिए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं और आज के इस अहम मुद्दे पर उनसे डिटेल में बातचीत करते हैं। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नेहा जी आप एक काउंसलर हैं, आप रोज अपने जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हैं जो शायद वो अपने दोस्तों से परिवार से खुलकर नहीं कर पाते। हाँ जी। लेकिन वो आपके सामने अपनी सारी बातें दिल खोल कर रखते हैं। एज अ काउंसलर सबसे पहले आज मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहूंगी जिसे हम कहते हैं बुलिंग। वैसे तो बुलिंग हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर क्षेत्र में लोग होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी टांग खींचते हैं, लेकिन स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ अगर उनके साथ बुलिंग होती है तो बहुत से बच्चे उसे सहन नहीं कर पाते, कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं या कहें तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या ऐसे बच्चे आपसे मिलते हैं? हाँ, अगर हम बात करते हैं बुलिंग की, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूँगी बुलिंग का सरल परिभाषा क्या है। अगर हम बुलिंग को समझें, बुलिंग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करना है, चाहे आप अपनी बातों से करते हैं या फिर आप अपने किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से करते हैं। आजकल बुलिंग बहुत कॉमन है। अगर हम इस टर्म को लेके चलेंगे तो हम शायद इस टॉपिक को 10 दिन तक भी कवर नहीं कर सकते, पर अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चलेंगे, बुलिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, अगर हम समझे उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर हमारी वर्कप्लेस, उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर हमारा खुद का बचपन, उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस एड ऑन होते हैं। आज हम बुलिंग की अगर बात करें, बुलिंग का मतलब है जब आपने किसी और इंसान को इंटेंशनली अनइंटेंशनली फिजिकल अब्यूसिव या इमोशनल हार्म करा हो। वो हार्म जो है वो मेंटली आपको बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करके रख सकता है। आज हम बात करेंगे स्कूल बुलिंग की। आज अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को ये बोलता है तू मोटा है, तू काला है, तेरे को ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि टिफिन तक में बुलिंग होती है। एग्जैक्टली। मतलब आप समझिए इस चीज को कि आप सिंपल सी चीज है, अगर एक घर एक बच्चा है, उसके घर की लाइक यू नो अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, वो एक नॉर्मल टिफिन और नॉर्मल पानी की बॉटल और नॉर्मल बैग ला रहा है, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। दूसरा बच्चा जो एक ब्रांडेड चीजों के साथ चलता है, वो भी कहीं ना कहीं बुलिंग है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सो मैं आज डेफिनेटली इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालूंगी और बताऊंगी कि स्कूल के अंदर कौन से ऐसे छोटे छोटे रीजंस हैं
जहां पे हम बुलिंग का शिकार बना रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां हम बुलिंग को रोक भी सकते हैं। बुलिंग का इम्पैक्ट हमें तीन एरियाज में डिस्टर्ब करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल एरिया। साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ, आपका पूरा मेंटल एरिया। देन योर सोशल एरिया। सोशल एरिया को भी अभी मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगी। सोशल एरिया मतलब मेरे आसपास का अपना एनवायरनमेंट। और तीसरा हमारा अपना फिजिकल एरिया। फिजिकली मेरी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ बुलिंग। अब लोगों को लगेगा कि इतना इतना इम्पैक्ट कैसे आ सकता है एक बुलिंग का। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। अब अगर हम समझे बुलिंग का मेंटली इम्पैक्ट, एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल रोज रेगुलर जा रहा है, बहुत अच्छा है, खुश है। सडनली वो बच्चा बोलता है मुझे अब स्कूल नहीं जाना। सडनली वो बच्चा टैंट्रम्स शो करने लग जाता है। सुबह उठता है, मेरा सर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, या फिर आज मन नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स हैं बुलिंग के समझने के कि कुछ सही नहीं हो रहा बच्चे के साथ स्कूल में, क्योंकि बच्चा उतना कंफर्टेबल ही नहीं है स्कूल जाने में। और मैं उस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ जो एज ग्रुप इस चीज को समझता है। मैं उस एज ग्रुप की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो 2 साल 3 साल या 4 साल का है। हम बात कर रहे हैं उस एज ग्रुप की जो एज ग्रुप शायद 5+ है, जहाँ पे उसे समझ है कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मेरी टीचर्स हैं, ये स्कूल मेरा है, जहाँ पे हम बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकली, देखो आप बच्चा रोज स्कूल जाता है, वहाँ वो कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए सुनता है जहाँ उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी अपनी ईगो वो इतनी हर्ट हो जाती है कि उसको लगता है नहीं, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, मैं शायद यहाँ जाऊँगा ही नहीं। और हम लोगों को बहुत मजाक लगता है, ठीक है एक दिन नहीं गया, दूसरे दिन नहीं गया, चलो तीसरे दिन मार के भी भेज दिया। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म बिहेवियर हमने देखा। खाने में बहुत इरिटेट हो रहा है, वो खाएगा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मेंटली कनेक्टेड हैं आपकी। उसका एपेटाइट डिक्रीज हुए जा रहा है, उसको माइट बी रेगुलरली ही इज नॉट फीलिंग वेल एंड बींग कनेक्टेड टू द स्कूल। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, आपने सुना होगा लाइक यू नो माइट बी 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का इंसान, 25 साल का, मेजर सुसाइडल केसेस हैं। अभी आपने रिसेंटली वर्कप्लेस के अंदर भी ये सुसाइडल केसेस के बारे में सुना है। अब अगर हम सुसाइडल केसेस की बात करते हैं, लोगों को लगता है सुसाइड पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा, उसे समझ नहीं आया, उसने सुसाइड कर लिया। ये पूरी पीछे की एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो हम समझते ही नहीं है कभी। वो लॉन्ग हिस्ट्री क्या है, क्या हमें पता था उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ, क्या हमने उसके स्कूल का एनवायरनमेंट कभी चेक करा, क्या हमने उसके दोस्तों का एनवायरनमेंट कभी चेक करा, क्या हमने देखा हमारा एक हंसता खात खेलता बच्चा बिल्कुल चुप हो गया। सो ये सारी चीजें आप इग्नोर अगर करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी सिचुएशन मेंटली बर्न आउट हो जाती है, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि कोई है ही नहीं सुनने के लिए। लोग जनरली आफ्टर बुलिंग दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू स्ट्रेस, इवन लाइक यू नो कुछ पैरामीटर ऑफ कैटेगरीज जो हैं उनको एंग्जाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी चीजों को इमोशनली वेंट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई है ही नहीं जो उन्हें सुनेगा। ये सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की, मैं बहुत एक्स्ट्रोवर्ट थी, माइट बी मेरी क्लास 7th 8th तक आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं रोज स्कूल जाती थी, बहुत लाइक यू नो लोगों से बात करती थी, मेरे पास मेरे स्ट्रीट फ्रेंड्स भी बहुत थे। आजकल वो भी हमारे पास बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है कि लोग स्ट्रीट्स के ऊपर तो आपको दिखेंगे नहीं, मतलब नहीं। बच्चे हम गलियों में खेलते थे राइट। अब और आज के टाइम पे बच्चों के पास या फिर आईपैड्स हैं या स्क्रीन्स हैं। रिसर्चर्स ने ये वैलिडेट करा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास यूनिवर्स का डेटा है, जिनके पास नेशन वाइड डेटा है। उन्होंने ये बताया है कि अगर बच्चा 2 घंटे, आप 2 घंटे तो बहुत बड़ा टाइम है, इनफैक्ट 1 घंटे से ऊपर अगर स्क्रीन देख रहा है, और उस स्क्रीन में भी वो क्या देख रहा है, हमें ये भी तो देखना है ना, उस स्क्रीन में वो देखता क्या है। पेरेंट्स आजकल वर्किंग है, हमें पता ही नहीं है वो स्क्रीन के अंदर कोई मूवी देख रहा है, कोई हॉरर एस्पेक्ट देख रहा है, या कोई ऐसा क्वेश्चनेबल कंटेंट देख रहा है जो शायद उसकी एज में उसको नहीं देखना चाहिए। उस स्क्रीन टाइम से भी आपका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, सोशल मीडिया क्या है आजकल आपके हिसाब से? सोशल मीडिया में मुझे लगता है हेट ज्यादा मिलेगी आपको। राइट। अगर आपके फेसबुक के अंदर 1000 फ्रेंड्स हैं, क्या आप उस एक फ्रेंड को भी जस्टिफाई कर सकते हो अपने साथ? नहीं, मेरे को लगता है वो सिर्फ फेसबुक तक ही फ्रेंड है, ओरिजिनल लाइफ में फ्रेंड तो नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल, ये तो हमें बहुत समझ आ रहा है। बट हम बिकॉज ऑफ सिर्फ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम अपनी रियल लाइफ को कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। सो वो सोशली तो हम किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। सोशल कनेक्शन आजकल क्या है, चल यार कॉफी पीने चलते हैं। वो कॉफी पीने गए तो हो आप,
पर वो कॉफी आपने वहां पी ही नहीं, आप वो सिर्फ फोटो खींच के एक दूसरे के साथ फोटो डाल के टैग करके जो बात शायद करनी थी, जो इमोशंस को शायद बाहर निकालना था, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो सारा मिसिंग था, वो सब कुछ ब्लैंक हो गया था। आप मानेंगी नहीं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारा, मुझे नहीं पता इंडिया में ये चीजें अभी आई हैं नहीं आई हैं, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज्यादा कहीं देखा नहीं है, सो इसलिए मैं इस पर अभी कॉमेंट नहीं करूंगी। बट मैं क्यों फॉरेन कंट्रीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जाती हूँ, मैंने देखा है वहां पे कुछ कुछ कैफेज और कल्चर्स ऐसे हैं जहां पे वो बोलते हैं रेस्टोरेंट में अंदर आने से पहले वो बोलते हैं आप अपना फोन बाहर रखिए, राइट, ये मैंने देखा मेरे, सो व्हाट दे से दैट लेट्स स्टार्ट लिविंग लाइक वी आर इन 80s, वो 80s का कॉन्सेप्ट ही अलग था ना, आप जाते थे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आजकल टाइम स्पेंड है अच्छी सी पहले एक फोटोशूट ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एक दिमाग में चलता रहते हैं हम इसको शूट करके कैसा कर लें कैसा कर लें, वो आपने अपना टाइम स्पेंड, अब आपने क्या करा सोशली अपने आप को जीरो कर लिया, सोशल इम्पैक्ट आपके ऊपर है ही नहीं कुछ, आपको पता ही नहीं है सोशली मैं किससे जाके कनेक्ट करूं, अगर मेरे साथ स्कूल में माइट भी कोई इशू है, चलो मैं अपने मम्मी को नहीं बताया पापा को नहीं बताया, ऑल्दो बताना चाहिए, सबसे पहले जो आपके लाइक यू नो सबसे पहले कनेक्शन है वो आपके माँ बाप ही है, सो आपको सबसे पहली चीज आज इस उम्र में भी आके, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, बट शायद मेरे लिए सबसे पहला जरूरत, मेरे को कुछ भी होता है ना मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ चलो पापा को फोन करके बता देती हूँ, चलो मम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ, वो क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे रियल एडवाइजर्स तो यही हैं, उसके बियॉन्ड सारे जने आएंगे शायद, सबसे पहली चाहे वो न्यूज़ अच्छी है चाहे वो न्यूज़ बुरी है, सबसे पहले मुझे उन्हीं को समझा के बतानी है। हम आजकल के टाइम पे ये चीजें भूल चुके हैं, आजकल के टाइम पे हम आई मी माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं, जो कि शायद कुछ 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 बचेगा नहीं उसके बाद। सो सोशली क्या हुआ, आपके साथ कोई चीजें इमोशनली ठीक नहीं चल रही हैं, आपके साथ चीजें जो हैं कनेक्टेड नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा किसी चीज से परेशान हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है आपके स्कूल में, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, एट टाइम्स आई डोंट वॉन्ट टू से बट येस इवन टीचर स्टिग्मेटाइज कर देते हैं बच्चों को, स्कूल के अंदर भी वो 40 बच्चे बैठे हुए हैं वो एक टीचर है, वो एक टीचर 40 बच्चों के साथ उतना कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती है कि कोई बच्चा उनसे इतना फ्रीली, तभी स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट्स हुई है, वरना आज तक क्या आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे काउंसलर था, कभी नहीं, हमने ये टर्म ही नहीं, मेरे स्कूल मैं तो खुद काउंसलर हूँ पर मेरे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं था, मेरे स्कूल में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जरूर था बट काउंसलर कोई नहीं था। आज के टाइम पे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट करा, और आज आई थिंक चाहे वो सेंट्रल स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, या चाहे माइट भी वो ब्यूरोक्रेटिक हाई एंडेड स्कूल्स हैं, हर स्कूल के अंदर कम से कम बता रही हूँ, वरना कुछ स्कूल्स के अंदर तो 2-3 की टीम है काउंसलर्स की। सो आज के टाइम पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। सो ये सारा इम्पैक्ट है बुलिंग का, और आप सोचिए अगर ये सारा इम्पैक्ट बुलिंग का एक इंसान के साथ चल रहा है तो क्या वो नॉर्मली लाइफ को जी पाएगा, वो जी ही नहीं सकता है, राइट? आप फिजिकली कुछ खा नहीं रहे हो, आप सारा टाइम इरिटेट हो, आपका दिमाग जो है बर्न आउट रहता है, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को फील गुड ही नहीं कर पा रहे हो, हाउ यू विल वर्क नॉर्मली, विल यू नो वर्क लाइक अ नॉर्मल पीपल, यू कांट, इट्स एब्सोल्युटली नो थिंग। सो ये इम्पैक्ट है मैम बुलिंग का हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे और हमारे सोशल सर्कल पे। अच्छा नेहा जी, अभी आपने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया कि जो बुलिंग है कैसे हमारे पूरे लाइफ को, हमारे एक तरीके से पूरा सोशल सर्कल ही डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? अगर किसी बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है स्कूल में, जैसे उसे छोटा बोला जा रहा है, मोटा बोला जा रहा है, उसे काला बोला जा रहा है, या फिर बोला जा रहा है कि तुम्हारी तोंद है, या किसी भी एक्स वाई जेड के लिए उसे अगर टीज किया जा रहा है, उस समय पे उस बच्चे को क्या रिएक्शन देना चाहिए, क्या बदले में वही कहा जाए या शांत होकर घर आ जाए? नहीं, दोनों चीजें नहीं शायद करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बुलिंग क्या है, इंटेंशन टू हर्ट अदर्स इज बुलिंग। सो हमने क्या करा, जिसने हमें गलत बोला हमने उसे गलत बोल दिया, हमें लगा हमारा काम हो गया, पर दिमाग में तो वो चीज रजिस्टर्ड है ना कि मुझे उसने ये बोला था, उस बच्चे के दिमाग में भी ये रजिस्टर्ड रहेगा, इसने मुझे ये बोला था। सबसे पहला काम जो बच्चे को करना चाहिए, टॉक टू योर प्रोफेशनल पर्सन, माइट भी अगर आपकी क्लास टीचर अवेलेबल नहीं है अपनी टीचर से बात करें, टीचर अवेलेबल नहीं है माइट भी कोई और वाइस प्रिंसिपल अवेलेबल होगा, हेड मिनिस्ट्रेस अवेलेबल होगी, अगर कहीं से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जैसे कि मैंने अभी बताया हर स्कूल के अंदर काउंसलर होता है, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू अंडरस्टैंड एंड लिसन क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप कई बार होता है कि आप एक अपॉइंटमेंट लेते हैं टीचर के थ्रू एंड तब बच्चे जाते हैं, बट लाइक यू नो सारे स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स आर सो ओपन एंड वेलकमिंग कि अगर आपको इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उनके पास जाइए, आप उनसे शेयर कीजिए, वो आपको सही सोल्यूशन देंगे आपकी प्रॉब्लम का। रिवर्ट करना इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग,
राइट, या फिर चुप करके आ जाना भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि चुप करके आने में भी आपके माइंड में वो चीज़ रजिस्टर्ड है, रिवर्ट करने के बाद तो आपने दोनों जगह रजिस्टर्ड कर ली है कि आपने उसको सुना भी दिया, वो लॉन्ग टाइम एक एंगर और एंग्विश रह गया, और शॉर्ट टाइम के लिए आपने वही सारी चीज़ें शायद बोल दी जो आपको शायद कभी बोलनी ही नहीं थी। सो सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि आप जाइए, आप काउंसलर को अपनी सारी चीज़ें बताइए। और इसके अंदर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगेन बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बुलिंग कमेटीज़ हैं, वो कमेटीज़ ऐसे नहीं होती हैं कि लाइक यू नो जनरली दो टीचर बैठ गए इन द कमेटीज़ फॉर्म, उस कमेटी के अंदर हम लाइक यू नो जनरल पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। कुछ आपने सुना होगा स्कूल्स के अंदर कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, लाइक यू नो अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जनरली वॉलंटियरली अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सो उस बुलिंग कमेटी के अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलर टीम इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं लाइक यू नो रिलेटेड विद दीज केसेस, उनके साथ जो वहाँ से एसोसिएट प्रोफेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, अलॉन्ग विद इनफैक्ट पुलिस स्टेशन जो आपका नियर बाय है वहाँ के भी हेड ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ये प्रॉपर पूरी एक टीम बनती है बुलिंग की, दे गिव अ पर्टिकुलर नंबर। इनफैक्ट जो स्कूल के अंदर मैं थी और जो अब मैं काम कर रही हूँ, मैं खुद एक लाइक यू नो अब तो मेरी एक प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस है, मैं काउंसलिंग करती हूँ। जब मैं स्कूल के साथ एसोसिएट थी, हम लोगों ने क्या करा था जो कि मेरा सजेशन था, हमने स्कूल के हर कॉर्नर के ऊपर एक बोर्ड लगाया था, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था एंटी बुलिंग कमेटी। उस एंटी बुलिंग कमेटी के अंदर हमने नाम लिखे थे, कौन कौन हेड बंदा है, उनके नंबर्स थे और नीचे एक हेल्पलाइन नंबर था, सो दैट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना शाय है कि वो शायद इतना फ्रीली होके बात ही नहीं कर पाता, बट जब वो रेगुलर उन एरियाज को क्रॉस करता है ना और वो देखता है अच्छा मतलब मैं मेरी हेल्प हो सकती है, नाम भी है नंबर भी है, सो वो बच्चा शायद डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही अप्रोच कर ले। सो ये सारे बहुत अच्छे तरीके हैं जहाँ पे हम बुलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बात और नेहा जी, जैसे कि आज के दौर में जब ये हम स्मार्टफोन्स की ये दुनिया है, हम सब अपने अपने स्मार्टफोन्स में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए हैं, पेरेंट्स जॉब में बिजी हैं और बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन की अपनी अलग ही स्मार्ट दुनिया में बिजी हैं, ऐसे में क्या हो रहा है ना बच्चा बहुत अकेला, और सिबलिंग्स अगर बात की जाए तो सब लोग अब बच्चे, सबको लगता है कि बच्चे पैदा करना इज अ हेडेक। एक हमारे टाइम पे तीन चार भाई बहन होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो कहता है नहीं मैं अकेला हूँ, मतलब एक पेरेंट्स के एक बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चा बहुत अकेला फील करता है। तो उस सिचुएशन में अगर दोस्त उसे स्कूल में भी टीज कर रहे हैं, घर पे वो अपने जो एज में अगर मम्मी पापा बड़े हैं और वो जॉब में हैं तो वो शायद उनके साथ इतना नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, भाई बहन है नहीं, उस सिचुएशन में वो बच्चा बहुत अकेला फील करता है, तब उसे क्या करना चाहिए? सी सबसे पहला काम है कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट। अब वो क्या होती है कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट, इज कि आपने बच्चे को क्रिएटिवली इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उसके दिमाग के अंदर ये सारे थॉट प्रोसेसेस हैं ही नहीं। आपने उसको आजकल तभी तो बोलते हैं सी म्यूजिक थेरेपीज हैं, कलर थेरेपीज स्टार्ट हुई हैं, ये क्यों हुई है? क्योंकि हम लोगों ने उन सब चीज़ों को पीछे कर दिया। शायद अगर हमने उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखा होता या इतना इन्वॉल्व करा होता तो ये थेरेपीज कभी इन्वॉल्व ही नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ आजकल क्या कोई ऐसा बच्चा है जो म्यूजिक में इतना लाइक यू नो डीपली इन्वॉल्व है? बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको जो कि सितार तबला और ये सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होंगे। स्ट्रेस बस्टर है म्यूजिक। आज आप बहुत परेशान हो ना, आप आराम से बैठ के अपनी आंखें बंद करिए, बहुत सिंपल सा कोई म्यूजिक लगा के सुन लीजिए, आप देखना ऑटोमेटिकली आपको है ना एक कामनेस मिलती है, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे न्यूरॉन्स और जो म्यूजिकल वेवलेंथ है वो बहुत हाईली कोरिलेटेड है। आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, काम डाउन हो जाते हो, और ये 99% मैं लाइक यू नो आई एम गिविंग यू अ रिटन गारंटी 99%। मैं मानती हूँ अकेला बच्चा डिमांड करता है कि मेरे साथ कौन है, मैं क्या करूँ? आजकल क्या है, अच्छा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो उस एरिया के अंदर देखो बच्चा आप ही का है तो कोई एक जने को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप इतने छोटे बच्चे को 100% ये नहीं बोल सकते कि देख हमने तुझे कलर्स भी दे दिए, तुझे म्यूजिक भी दे दिया, तुझे सब कुछ दे दिया, नाउ यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। इट कैन नॉट हैपन। हम पेरेंट्स को भी शायद कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए। ठीक है मैं मानती हूँ सबके लिए काम ज़रूरी है मैम, आज कोई भी ऐसा नहीं है जो काम के बिना चीज़ चल पाए, पर उस काम के साथ साथ क्या आपके लिए आपका बच्चा ज़रूरी नहीं है? है। सो उसके लिए ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में कम से कम एक क्वालिटी टाइम दीजिए। आजकल क्या है डिनर टाइम कर रहे हैं, चलो मम्मी पापा दोनों बिजी हैं,
काम पे गए हो या बच्चा भी बेचारा सुबह से शाम तक बिजी है, स्कूल है, ट्यूशन है, उसका सोना है, उठना है, जब शाम को सारे जने घर पे आते हैं उसके बाद भी मैं देखती हूँ फोन लिया और फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, वो क्वालिटी टाइम है ही नहीं। डिनर करने बैठते हैं, डिनर के टाइम भी क्या है, अपना अपना फोन लेके बैठ गए डिनर टेबल पे, डिनर के टाइम कोई बात नहीं, फोन देखा, खाना खाया, चलो जी गुड नाइट हो गया। सो आपने कहाँ टाइम स्पेंड करा? आपके पास जो टाइम था आपने उसको भी जीरो कर दिया। एक घंटा भी कितने देर डिनर हो जाएगा, 40-45 मिनट्स, उसके अंदर भी अगर हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते हो तो बेकार है फिर इतना पैसा कमाना या अपने आप को इतना प्रोफेशनली हाई दिखाना। एंड दिस इज हाई टाइम, आप देखिए सुसाइडल रेट्स, लाइक यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी, इनफैक्ट इट्स वेरी सैड टू से दैट चाइल्डहुड डिप्रेशन हैज केम। आप मानेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले, और APA एक हमारी साइट, लाइक यू नो जैसे WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे साइकोलॉजी भी हैं, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन विच इज़ APA, अगर हम उसकी बात करते हैं, पहले टीनेज के लिए आपके हिसाब से क्या उम्र होती थी अगर हम टीनेज की बात करें? आई गेस 16-17 इतना हम बोलते थे। कई बार तो हम, मुझे ध्यान है अगर मैं अपने मम्मी और पापा की बात करूं, वो कहते थे 18 साल का बच्चा टीनेज है, ना ये बातें होती थी, फिर 15-16 पे। आप मानेंगे आज का रिटन टीनेजर एज क्या दे दी गई है? 9-10। I am sure कि मुझे पता था यही है। So 9-10 is actually the variation of age। आप सोचिए 9 साल दिया, 10 साल का बच्चा क्या बच्चा है, उसको कुछ समझ भी आएगा? पर क्योंकि एनवायरनमेंट इतना लाउड हो चुका है, इतनी चीजें ओपन कर दी हैं हमने कि हम 3 साल के बच्चे को समझा रहे हैं बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम लोगों ने वो एनवायरनमेंट इतना खराब कर दिया है कि हमें एक 3.5 साल के बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा गुड टच क्या और बैड टच क्या है। मैं एजुकेशन को देने में नहीं बोल रही हूँ कुछ बुराई है, बुराई इस चीज में है कि हमारी वजह से हमने अपने बच्चों को ओवर नॉलेज देनी शुरू कर दी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। राइट टाइम, अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड गुड एज इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। हमने क्या करा, 3 साल के बच्चे को बता दिया तुझे कोई ऐसे टच करेगा ना तो वो गलत है। आप मानेंगे नहीं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, मैं अभी एक स्कूल राउंड पे थी, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था नो हैंडशेक। कैन यू इमेजिन नो हैंडशेक? हमारे टाइम पे ये चीजें क्या होती थी, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग गुड। एक टच थेरेपी भी होती है, जब बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है ना तो हमारे वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से एंड यू फील गुड अबाउट इट। आप सोचिए स्कूल के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ है नो हैंडशेक, आप सोचिए क्यों, किस लिए? क्योंकि मैं मानती हूँ वो बेचारा स्कूल भी क्या करे, इंसिडेंट्स ऐसे हैं, लाइक यू नो एनवायरमेंट ऐसा है कि उन्हें हर चीज के लिए सिक्योर होकर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। आप ये देखिए हम उस लेवल की सिक्योरिटी पे आ गए हैं कि हम बच्चों को आपस में बोलना शुरू, मतलब हमने वो बोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए कि भाई आप हाथ ना ही मिलाओ तो बेटर है। ऐसा नहीं लगता कि हम बच्चों का बचपन ही छीनते जा रहे हैं? होता जा रहा है, वो ही हो रहा है। अगर हमने अभी भी इस चीज को खत्म नहीं करा, आज के टाइम पे भी लोगों को ये समझ नहीं आता, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो तो आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हो। काउंसलिंग का मतलब है आपके पास एक राइट अप्रोप्रिएट नॉलेज मिल रही है आपको किसी पर्टिकुलर। हमारे को डिप्रेशन का मतलब नहीं पता, हम 10 जगह गूगल कर लेंगे, हम अपनी नॉलेज को हाफ कर लेंगे, हम अपनी नॉलेज से हाफ नॉलेज बच्चे को देंगे, पर हम एक ढंग की एडवाइस लेने काउंसलर के पास नहीं जाएंगे। सो हमें, जब हम इतने एजुकेटेड है, एक तरफ हम देखें हम बोलते हैं वी आर लाइक यू नो एजुकेटेड, हम एक 20 लाइक यू नो हम वो जनरेशन जीज हैं, हम बहुत लाइक यू नो आगे बढ़ चुके हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज में आ गए हैं। बहुत पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे बच्चे को बोलेंगे स्कूल में काउंसलर के पास मत जाना, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे आके डिस्कस करो, काउंसलर के पास क्यों नहीं जाना? अगर किसी ने देख लिया कोई बोलेगा तू पागल है जो काउंसलर के पास गया था। सो हमें इन सब चीज़ों को ब्रेक करना है। द राइट कॉन्सेप्ट इज ब्रेक दीज कॉन्सेप्ट। काउंसलर एक नॉर्मल ह्यूमन है जो आपको सही एडवाइस देगा आपको किस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना। नेहा जी आप खुद एक काउंसलर हैं, आपने बताया कि आप अपनी आजकल एक आपकी जो सर्विस है वो आपने क्लिनिक है और उसमें आप लोगों को काउंसलिंग दे रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जनरल क्या है आजकल? मैं अगर अपना होल वाइड एक्सपीरियंस बताऊं, मैं मैम आप मानेंगे नहीं, मैंने 5-4 साल के बच्चा टू बी प्रिसाइज मैंने वहां से काउंसलिंग स्टार्ट करी थी। और शायद मेरे पास अभी जो लेटली क्लाइंट है दैट लेडी 65 ईयर ओल्ड,
एक चार साढ़े चार साल का बच्चा, चार से 65, आप वो ग्राफ सोच सकते हैं? ओ माय गॉड, वो साढ़े चार साल का बच्चा जो काउंसलिंग के लिए आ रहा है ना, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन इतनी डिस्टर्ब है कि आप सुन के, एज अ काउंसलर ऑफ कोर्स आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई कांट लाइक यू नो, मैं अगर शायद वहां पे अपने इमोशंस को डिस्टर्ब कर दूंगी तो मैं काउंसलिंग नहीं कर सकती ना. बट अगर मैं वो नॉर्मल कंडीशन किसी दूसरे इंसान को समझाऊं ना, वो इंसान रोना शुरू कर देगा और वो कहेगा नहीं. एक बच्चे को, यस, एक चार साल के बच्चे को. और वो चार साल के बच्चे को क्यों काउंसलिंग की जरूरत पड़ी, किस लिए पड़ी? क्योंकि घर के अपने लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने एक सिचुएशन, जिन्होंने घर की कंडीशन इतनी खराब कर दी कि वो चार साल के बच्चे को शायद कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. So, आप सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं. और आगे से पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमें इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा. हम भूलते नहीं है कोई चीज, हर चीज हमारी चीज. एग्जैक्टली, साइकोलॉजी के अंदर, जनरल ह्यूमन साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मेमोरी. उस मेमोरी में ना सब चीजें हैं. तो वो साढ़े चार साल का बच्चा और 65 ईयर्स का बंदा अगर काउंसलिंग के लिए आ सकता है, तो आई थिंक काउंसलिंग इज ओपन पोडियम. यू, एनी वन कैन कम एनी टाइम. इनफैक्ट हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं, आप हर रोज़ एक चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट ब्लास्ट आउट, योर सिचुएशन विल बी बर्न आउट. बिफोर दैट इट्स ऑलवेज हेल्दी टू डिस्कस एंड वेंट आउट योर इमोशंस, राइट? वी हैव नंबर ऑफ टेक्निक्स, वी हैव नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, वी हैव नंबर ऑफ थेरेपीज, जहाँ पे आप अपने आप को फील गुड करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को बेटर फील करेंगे. और रैशनल सोचना और रैशनल बोलना एक मेंटल हेल्दी बंदे का कॉन्सेप्ट है, रादर देन अनहेल्दी, राइट? लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है आजकल, पेरेंट्स ही है, बुलिंग उस पर ही आ जाइए आप, बुलिंग मार्क्स पे भी होती है स्कूल में. हाँ बिल्कुल होती है. अगर एक बच्चा एक एवरेजली इंटेलिजेंट है, हर बच्चा 100 में से 100 नहीं ला सकता. हाउ दैट कैन बी इवन पॉसिबल? आई वॉज लाइक यू नो, थ्रू आउट आई वॉज अबव एवरेज इंटेलिजेंट. मैं कभी भी उन स्कोर्स में नहीं थी कि मैं 100 on 100 ला रही हूँ एंड ऑल, बट आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन टूडे. वाई? बिकॉज माई पेरेंट्स हैव नेवर प्रेशराइज्ड मी कि भाई तुझे 100 में से 100 ही लाने हैं. हमें स्किल्स देखनी चाहिए हमारे अंदर क्या है, रादर देन हम मार्क्स के साथ ही खेलते रहते हैं. और वो मार्क्स कहीं ना कहीं आगे जाके आपके किसी काम नहीं आते. अगर आप देखिए पहले के कॉन्सेप्ट और आज के कॉन्सेप्ट में भी, अगर आज किसी को आप बताइए ना, मेरे पास ह्यूमैनिटीज है, बुलिंग वहां पे भी है. तेरे पास आर्ट्स है, तू साइंस नहीं ले पाया. हाँ, मतलब मुझे ये इतनी हंसी आती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है डिस्कस ये है, और ये बच्चा है. बहुत एम्बैरेस फील करता है बच्चा, है ना, फील कॉन्फिडेंटली नहीं बताएगा. आप किसी बच्चे को पूछो, हाँ भाई तूने 11th में क्या सब्जेक्ट लिया है, वो आर्ट्स लिया है, मतलब उसका ना इतना डीमोटिवेटिंग, exactly. इतना बिल्कुल सेल्फ एस्टीम जीरो, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो, जैसे बेचारे ने पता नहीं क्या सब्जेक्ट ले लिया. किसी बच्चे से पूछो तेरे पास क्या, साइंस है. अरे तो क्या हुआ, साइंस है तो. See, it absolutely okay. मेरा इंटरेस्ट शायद आर्ट्स में था, तेरा इंटरेस्ट साइंस में था. हर बच्चे की अपनी माइंडसेट है ना. और आजकल तो फील्ड्स इतनी ज़्यादा ओपन और वाइड है कि आप किसी सब्जेक्ट को उठा लो एंड यू जस्ट डू द मास्टरी एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल जूम. बुलिंग का कॉन्सेप्ट तो आपके टिफिन में भी आ गया. बुलिंग का कॉन्सेप्ट आप जैसे तैयार होकर जाते हो उसमें भी आ गया. बुलिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास कौन सी कार है उसमें आ गया. बुलिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास कौन सा स्कूल बैग है उसमें आ गया. सोसाइटी ने हर एक चीज में, एक्चुअली सोसाइटी के किसी भी पोर्शन में आप जाइए, आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं बुली हो रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट फैमिली में भी लोग बुली करते हैं आज की डेट में. अगर आपके सिबलिंग्स और आप बैठ जाए और आप अगर किसी अच्छे सक्सेसफुल उसमें पोस्ट पे हो और अगला उतना नहीं है, तो मुझे लगता है कि बाकी के सिबलिंग्स उसे भी टीज करेंगे. एब्सोल्युटली. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक एनवायरमेंट एटलीस्ट घर के अंदर हमें ऐसा देना चाहिए जिसको क्लियर कट समझा दो, नो जजमेंटल जोन. यहाँ पे जजमेंट पैरामीटर्स कोई है ही नहीं. जैसे तुम हो वैसे हो, राइट? वो 100% मेरी एक्सेप्टेंस है तुम्हारे साथ. आज आप अपने बच्चे को 100% एक्सेप्ट नहीं करते. अगर वो गलत है, सही है, कैसा भी है, 100% एक्सेप्ट करोगे ना? बच्चा तो मेरा ही है. वो दूसरा बंदा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम? और आजकल वैसे पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं, नहीं 100% 100 आएगा तो तू ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी स्टिग्मेटाइज, अननेसेसरी नेम कॉलिंग, अननेसेसरी टैग देना, ये सब चीजें बंद करनी चाहिए. घर के अंदर हमारा एनवायरनमेंट नो जजमेंटल जोन होना चाहिए, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. आज बच्चा अगर एक हिंदी में भी सेंटेंस बोलता है ना, इंग्लिश में बोलो, हाँ सो क्यों बोलो? ठीक है, इंग्लिश एक अपनी जगह एक अच्छी लैंग्वेज है. आज हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. आपका बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, स्टारबक्स नहीं जा रहा, मर्सिडीज के अंदर नहीं बैठ रहा, तो बेचारा बच्चा बच्चा ही नहीं है. ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है. लेट्स नॉर्मलाइज एवरीथिंग.
जब तक हम चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे हम शायद चीज़ों को चला ही नहीं सकते नॉर्मल। आज हमें मेंटली हेल्दी का मतलब पता है लोग क्या कहते हैं, मैं सही खा रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मैं तो मेंटली हेल्दी हूँ। आप मेंटली हेल्दी हो ही नहीं। आपको मैं अगर इतना सा नॉक भी कर दूंगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अगर मैं आपसे जरा सा कुछ पूछ भी लूंगी तो आप चिल्ला के आते हो वापस, यू नो यू शाउट बैक, यू जस्ट गेट इरिटेट, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट मेंटली हेल्दी। और आई थिंक बहुत सारे, ये तो अभी हम स्कूल बुलिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉलेजेस की बात करो वहां का सुसाइड रेट्स देखिए आप, बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे कि इस लेवल पे कॉलेजेस के अंदर सुसाइडल रेट्स होता है। आप बुलिंग के अंदर अगर बात करें, रैगिंग है, लाइक यू नो आज भी रैगिंग होती है, बिल्कुल होती चाहे है। आप हर जगह पोस्टर्स लगा दे एंटी रैगिंग जोन है, हो रही है और रैगिंग ही है ये। आज मैं आपको अगर बोल रहा हूँ तू कैसा दिख रही है, ये आज नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, मैं हर रोज आपको बोलूंगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो बात जाएगी बिल्कुल कि ये हो क्या रहा है, लाइक यू नो एम आई गुड फॉर नथिंग, क्या मेरी वर्थ इतनी भी नहीं है दैट आई कैन पार्टिसिपेट एनीवेयर इन द क्लासरूम। और टीचर्स की भी ये होती है, वो बेचारे भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ें ना हो, बट देन कहीं ना कहीं हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा टू स्टॉप दिस एस्पेक्ट। नेहा जी, आप जैसे कि खुद काउंसलिंग करती हैं, आपके पास रोज के बहुत सारे केसेस आते हैं, और जैसे आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की बुलिंग के बारे में, हाँ जी, कोई ऐसा स्पेसिफिक केस आज हमारे साथ आप डिस्कस करना चाहेंगे विदाउट नेम, कि कोई ऐसा केस जिससे मतलब आप फील गई कि ऐसा कैसे एक बच्चे के साथ हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ, ये केस भी मैंने खुद हैंडल किसी के साथ किया था, मेरी सीनियर थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। हम लोग एक सेमिनार में बैठे हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग द केसेस। हमारे बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स और वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे हम सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठ के अपने अपने केसेस को डिस्कस करते हैं, सो दैट वी हैव अ कलेक्टिव आंसर्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टैटिस्टिक्स विच इज गोइंग। सो अगर हम बात करें, हम जैसे अपने उसमें बैठे होते हैं सेमिनार में, एक डॉक्टर ने हमें केस बताया और वो केस से पर्सनली, इनफैक्ट मैंने उस केस को एक्सपीरियंस नहीं करा था, पर सिर्फ सुनने से मुझे लगा कि इतना एक्सट्रीम हो सकता है। उस डॉक्टर ने बोला कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, वो दोनों पेरेंट्स जो हैं अपना काम करके जैसे रेगुलर घर पे आते हैं। मदर ने उस दिन शायद वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ था, तो वो बच्चा स्कूल से आया बहुत गुस्से में था, एंड बच्चा था एट्थ पता नहीं नाइन्थ क्लास में। वो बच्चा आया, उसने बोला मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो उसकी मदर ने उसको देखा और बोला अरे क्या हो गया, अच्छा आराम से स्कूल से आए हो, रिलैक्स करो, खाना खाओ और सो जाओ थोड़ी देर, मुझे बहुत सारा काम है। वो अपना लैपटॉप खोल पे काम कर रही है, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं करना, आप मेरी पहले बात सुनो, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, और प्लीज़ मेरे पास है ना अभी बहुत काम है, बाद में बात करेंगे, जाओ चेंज करके आओ। तो जैसे आप गुस्से में बोलते हो ना, ठीक है मैं तो फिर रहूंगा ही नहीं, और उसने ऐसे बोल के और वो चला गया, वो भी अपना काम कर रही है। थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ, उसने कुछ मतलब होते ना कि आपको एक फ्रैक्शन लगता है कि क्या बोल के गया ये। सो उसने उनको लगा अरे कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रहा है, उन्होंने अपना लैपटॉप बंद करा, जब तक अपना सारा सिस्टम विस्टम हटाया, ड्यूप्लेक्स था उनका, नीचे वाले फ्लोर पे वो काम कर रही थी, ऊपर वाले फ्लोर पे उनके रूम्स थे। वो जब तक ऊपर जाती है बच्चा बालकनी से जंप कर गया। ओह माय गॉड। अब आप सोचिए उस बच्चे की मेंटल हेल्थ, आप सोचिए क्या होगी, आप सोच सकते हैं वो बच्चा कितना डिस्टर्ब होगा, कि वो बच्चा अपने इमोशंस को समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। और ये एक दिन का काम नहीं था, उसकी मदर को जब लाया गया, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में चली गई थी, रेगुलर काउंसलिंग्स हुई, फादर भी बहुत डिस्टर्ब थे, सब कुछ था, होल फैमिली वॉज, ऑफकोर्स इट इज अ ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन। जब ये सारी सिचुएशन से वो बेचारे साल डेढ़ साल उन्हें लगा, वो बाहर आए, जब उनकी काउंसलिंग शुरू हुई, तब उसकी मदर ने बताया कि वो आज से नहीं बोलता था, वो उस दिन आके उसने नहीं बोला, वो मुझे ये कम से कम नहीं तो 6-7 महीने से बोल रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे स्कूल में हर कोई कुछ को बोलता है, आप भी मुझे प्यार नहीं करते। वो हर जगह से शायद बहुत ब्रोक हो गया था। सो वो ब्रेकेज, वो ब्रोकेज इतना था शायद कि वो संभल ही नहीं पाया उन चीज़ों से, और वो सिचुएशन फाइनली उसकी वो आ गई थी कि उसे लगा बस अब नहीं हो सकता कुछ भी। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना हर एक का लाइफ में, कि आपको लगता है इसके बाद क्या, अब इसके बाद कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता, और मेरा लेवल मेंटली फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली खत्म है, मैं जीरो हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, कम से कम मेरी बात सुन लो। अब आपने वहाँ भी क्या बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ और चेंज करो, मैं बाद में देखूंगी। शायद अगर आप उस टाइम उसको सुन लेते तो वो सिचुएशन आप संभाल लेते। बिल्कुल। ये मैंने आज आपको बहुत एक्सट्रीम केस बताया है, जो कि शायद डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा किसी के भी साथ ना हो, बट
ये एक एक्सट्रीम केस हुआ है और ये एक केस नहीं है, ये एक केस हमने सुना था। ऐसे केसेस शायद इतने होंगे, कुछ रजिस्टर्ड होंगे, कुछ अनरजिस्टर्ड होंगे, राइट। सो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा हमसे क्या कहना चाहता है, और कुछ नहीं चाहिए। एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं आपको कुछ बुक्स भी बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी बुक्स हैं बुलिंग पे, बहुत अच्छी बुक्स हैं सेल्फ केयर पे, बहुत अच्छी बुक्स हैं इमोशंस पे। और ये बुक है लाइक, अगर आप छोटे बच्चे को भी समझाओगे ना कि इमोशंस क्या हैं, इमोशंस और कुछ नहीं है, इमोशंस के पैरामीटर्स हैं। आज शायद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आपको हक करूँगा, आज शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सिर्फ बैठा रहूँगा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं शायद आपके साथ बाहर जाके एक आइसक्रीम खाऊंगा। ये छोटे छोटे इमोशंस अगर हम अपने बच्चों के समझ लें ना, तो हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को बहुत ईजी कर देंगे, बहुत चीयरफुल कर देंगे और बहुत स्ट्रेस फ्री कर देंगे। हमने अपने बच्चों के ऊपर हर चीज़ का बहुत प्रेशर डाला हुआ है, वो प्रेशर से हम चीज़ों को अगर रिलीज़ कर देंगे ना, अगर बच्चा 10 दिन स्कूल जा रहा है, वो 11वां दिन बोल रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं बेटा तू छुट्टी ले ले, मैं ये नहीं कह रही आप उसकी रेगुलर आदत डाल दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो हर 10वें दिन के बाद 11वें दिन आपको बोलता है आके आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, चलो ठीक है बेटा लेट्स टेक अ हॉलीडे। नो, बट इफ लाइक यू नो इन एजेस ही सेइंग इन गुड 6-7-5 मंथ्स और माइट बी इन 2-2.5 मंथ्स वो एक छुट्टी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, मम्मा आज एक छुट्टी आप मारो, आज एक हॉलीडे मैं लेता हूँ, लेट्स गो समवेयर। इतना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप उसके लिए कर ही सकते हैं, वो दिन सिर्फ उसका और आपका है, दीजिए उसको। मैं खुद ये करती हूँ, मेरा बच्चा तो खैर अभी बहुत ही छोटा है, बट आई पर्सनली फील दिस, जो वो कह रहा है शायद लोगों को लगता है अरे इतनी क्या पैम्परिंग करनी, पैम्परिंग ही करनी है क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसे और कुछ समझ नहीं आएगा। मैं उसके ऊपर बहुत हार्श इमोशंस दिखाऊंगी तो वो उससे डबल इमोशंस मेरे पे दिखा सकता है क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी है, इमोशंस तो डेवलप है ना उसके भी। सो रादर देन थ्रोइंग दोज हार्श इमोशंस मेरी अपनी मेंटल कैपेसिटी से, मैं क्या उसको इतना कन्वर्ट नहीं कर सकती, चल यार आज कहीं एक राउंड पे चलते हैं, चल यार एक राउंड पार्क का काट के आते हैं, चल और कुछ नहीं एक कार राउंड पे चलते हैं, चल हम दोनों एक आइसक्रीम खा के आते हैं। ये छोटे छोटे कनेक्शंस और इमोशंस ना आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं, बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको लगता है यार यही बंदा है मेरा, रेस्ट इज नथिंग। सो अगर उसके साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बहुत एवरेज चीज़ हुई है, बहुत ख़राब चीज़ हुई है, वो सबसे पहला ह्यूमन ढूंढेगा आप एज अ मदर और फादर। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स दैट यू हैव टू बिल्ड दोज इमोशंस, यू हैव टू बिल्ड दोज कनेक्शंस विद योर किड्स सो दैट एट लीस्ट दे बी फ्री फ्रॉम दैट emotionally weakened zone, or I will say in a more particular and refined language, it's a stress-free zone to them. They are very happy when they are home. They actually want that, yes, my parent is home and I want to spend time with them. That is an environment which we need to create for them. Bahar ka environment to all, aap nahi control kar sakte bahar ka environment. क्या आप बाहर स्कूल का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप बच्चे का फ्रेंड ग्रुप का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या बच्चा जहाँ कल को जाके कोई जॉब करेगा या कुछ करेगा वहाँ का एनवायरनमेंट भी कंट्रोल, एटलीस्ट उसे ये लगे चल अगर मैं 6 घंटे यहाँ काम कर भी रहा हूँ ना, हार्डली मैटर्स टू मी, जब मैं घर आ रहा हूँ माई पेरेंट्स आर वेलकमिंग, हैव दैट वेलकमिंग नेचर, आई हैव सीन दैट, मैंने देखा है वो वेलकमिंग नेचर। और जब आप वो वेलकमिंग जोन देते हो ना अपने बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, उसे पता है घर आके ये मेरा घर है, इट इज़ माई जोन, आई कैन डू एनी थिंग। मैं मानती हूँ छोटे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे चीज़ों को फेंकते हैं, बच्चे चीज़ों को नहीं समझते, पर शायद वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बाहर कोई अलाउ ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को करने के लिए। सो पर उनका तो मन तो छोटा ही है ना, है तो वो बच्चा ही, आप 8 साल का चाहे बच्चा है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 2 साल का है, और आज मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए तो बच्ची ही हूँ, वो ये तो नहीं कहेंगे हाँ हाँ तुम 30 साल के हो या 40 साल के हो तो तुम अब बड़े हो गए हो, पेरेंट्स आज भी यही कहेंगे मेरा बच्चा है, यही वर्ड निकलता है ना, यही जोन निकलता है। तो उस बच्चे को बच्चा ही रहने दो, उस बच्चे को बड़ा मत करो, वो बड़ा ऑलरेडी है एनवायरनमेंट में, वो बड़ा ऑलरेडी है अपने स्कूल में, वो ऑलरेडी बड़ा है उन सिचुएशंस के साथ, रहने दो ना उसको वहाँ पे, कर रहे हैं ना वो डील उन चीज़ों के साथ, उस हैवीनेस को घर पे तो मत लाने दो उसे। शायद वो मदर अगर वो 1 सेकंड सुन के और उसको उस सल्यूशन दे देती है, उसकी उस इमोशंस को समझ जाती, तो ये ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन शायद आती है। ये एक एक्सट्रीम केस है, मैं भी अंदर तक हिल गई क्योंकि
एज अ मदर अगर आप सुनते हो ऐसा कुछ, दैट्स वेरी इमोशनली ब्रेकिंग, आपके तुरंत जहन में अपना बच्चा आ जाता है कि कहीं ये स्टेप उसके साथ ना उठाना पड़े उसे, तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन थी। जो भी पेरेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिल के टुकड़े अपने बच्चे के लिए समय निकालिए। पैसा कमाना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, समाज में रहना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका बच्चा, जिसके लिए आप उसकी दुनिया है। अगर आप उसकी दुनिया है तो आपकी दुनिया भी तो वही है ना, अपनी दुनिया को प्यार से समेटिए। और अगर आप बच्चे होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, आपके साथ भी बुलिंग हो रही है, तो अकेले इसे अपने मन में मत दबाइए, किसी काउंसलर से मिलिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ अपने दिल की बातें शेयर कीजिए। आप कहीं भी अकेले नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप वाकई अकेले हैं तो हमारे इस चैनल के नंबर पर हम अपना ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप इससे हमारे साथ कनेक्ट होइए, अपने दिल की बात हमसे कीजिए, हम सुनेंगे, आप भी हमारे ही बच्चे जैसे हैं। और अगर पेरेंट्स होकर आप सुन रहे हैं तो अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए, आपका बच्चा आपकी दुनिया है, उसे समेटने की कोशिश कीजिए। नेहा जी, आज आपके साथ इतनी जो हमने डिस्कशन की, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया, और इस चीज़ को हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हम जो ये छोटा सा शब्द सुनते हैं ना कि अरे तू तो मोटा है, तेरा पेट निकला है, तेरी हाइट बहुत कम है, वो है, वो उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर हाइट कम है तो ये नेचुरल है, वो उसे नहीं बढ़ा सकता। आज पेट है, बड़ा हो जाएगा, जिम जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आज है पेट तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें ना हमने शायद ये सोसाइटी, अगेन मैं बोलूँगी, हमने ये सोसाइटी के अंदर है ना इतनी बड़ी कर दी है, जो कि शायद कहीं पे वैलिड भी नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा अपना घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी। आज हम ही अपने बच्चे को बोल देते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को कंसर्न होते हुए देखा है, मैम हम है ना इनको सनलाइट वाली एक्टिविटी कोई नहीं कराएंगे, धूप में नहीं जाने देंगे। रीजन पूछो क्यों, क्यों नहीं जाने, टैनिंग हो जाएगी मैम, काले हो जाएंगे। कि आज कहां थे और बच्चे के लिए देखो, पहले बच्चे फिजिकली हेल्दी थे तो वो ऑटोमेटिकली मेंटली हेल्दी थे, उनके बहुत सीधा कनेक्शन था, सब कुछ कितना ये बहुत सिंपल कनेक्शन था ना, योर फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू योर मेंटल हेल्थ। आज हमने क्या कर दिया, तू बाहर मत जा यार, तू लैपटॉप लेके बैठ जा, अरे यार तू आईपैड ले ले, अरे और भी छोड़ वो पीएस स्टेशन ले ले या ये ले, पर बाहर मत जाइयो यार, बड़ी गर्मी है, धूप में काला मत होइयो। ये मतलब मेरे को ये माइंडसेट इतना ज्यादा, आप सोचिए कि ये क्या माइंडसेट है, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। अगर बच्चा फिजिकली बेचारा ठीक नहीं है, वो दवाइयां खा रहा है, वो हर दूसरे दिन उसका कभी कफ है, उसको कोल्ड है, उसको फीवर हो रहा है, दवाइयां खिला देंगे पर धूप के अंदर नहीं खेल सकता। दवाइयां खिला देंगे पर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी, दवाइयां खिला देंगे पर सोशली आप बच्चे को बाहर नहीं भेजना प्रेफर करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, हमने उसकी फिजिकल हेल्थ को इतना क्वेश्चनेबल कर दिया तो मेंटल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल हो गई। आज अगर 4 साल का बच्चा 10 दिन में से 2 दिन या 3 दिन दवाइयों पे रहता है, आप सोच सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हो ही नहीं सकती है। फिजिकली मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मेंटली तो मेरा दिमाग चलेगा ना, क्या करूँ क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, बिकॉज मैं सारा दिन 24 घंटे में से शायद मैं 8-10 घंटे सोती हूँ, और उसके अलावा मेरा क्या जोन है, या मैं वो स्कूल में एसीज में हूँ या मैं घर के अंदर अपने एसी में हूँ। तो दिमाग कहाँ चला, फोन के अंदर, दिमाग कहाँ चला, स्क्रीन के अंदर, जो भी चल रहा है उससे क्या कनेक्ट हुआ, अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ होता है, चल मैं इसको बोल के देखता हूँ, चल मैं इसे कुछ करके देखता हूँ, चल मैं इसको टीज करता हूँ। तो आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी को चाहे फिजिकली अब्यूज करो, मेंटली अब्यूज करो, या आप लाइक यू नो फिजिकली हिट कर रहे हो, वो तो अब्यूज, तो अब्यूज ही। आपने स्क्रीन में देखा यार, ये तो बहुत, आपने बहुत, आपने देखा होगा आजकल कार्टून कैरेक्टर्स या फिर आजकल बच्चों की भी जो कुछ कुछ ऐसी आजकल बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ बच्चों की चीजें आती है, वहां पे भी कॉन्सेप्ट क्या है, डीमंस के बहुत सारे घोस्ट वीडियोज हैं, या फिर एक दूसरे के साथ वो यू नो फाइटिंग्स हैं, या फिर वो प्ले वे में एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, दे आर लाफिंग, दे आर अब्यूजिंग ईच अदर एंड दे आर लाफिंग। तो बच्चे ने क्या सीखा, फिर आप बोलते हो कि बुलिंग क्यों हो रही है, बुलिंग तो हो गई क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो वो चीजें, पहले बच्चों के दिमाग में चीजें ही नहीं थी, पहले बच्चों के दिमाग में थी मुझे खेलना है, मुझे टीम बनानी है, मुझे प्ले करना है, वो मेरा फ्रेंड है। सो ये कॉन्सेप्ट हमने बच्चों के दिमाग से इरेज कर दिए। जब हमने उन चीजों को इरेज कर दिया तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये बुलिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा।
नेहा जी, आज आपके साथ बात करके इतनी सारी चीजों को डिटेल में समझ के मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद ही कुछ मतलब रह गया हो मन में जो बताना बाकी। फिर भी अगर आप चाहती हैं हमारे ऑडियंस के लिए अगर कोई मैसेज है आपका तो प्लीज जरूर दें। मैं सबको लाइक यू नो, जैसे हमने बहुत सारा डिस्कस करा, बहुत अच्छे से समझाया, और मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ों को समझा भी होगा। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी, टाइम इज स्टिल देयर वेयर वी कैन स्टॉप द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर एज ह्यूमंस एंड हैव दैट एक्सेप्टेंस लेवल्स फॉर एवरीवन। एट द एंड मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है ना, वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर आगे मास्टरी करवानी है, पर शायद इसलिए एक बच्चा अगर आपके घर में उस साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ लेगा तो उस एक बच्चे से शायद आपके पूरे घर को वो एक नॉलेज मिल जाएगी जो कि आज हर बच्चे हर घर में ज़रूरत है। हम साइकोलॉजी काउंसलिंग मेंटल हेल्थ सेमिनार्स एंड वेबिनार्स सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वी हैव अ गुड टीम विद अस। उस टीम को आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको टीम के साथ एसोसिएट कराऊंगी, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो सेमिनार्स हैं या फिर वो वेबिनार्स है। आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी आपको चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग में बार 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 आपको नॉक कर रही है और आपके उसको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ हमसे कंसल्ट करिए थ्रू सोनम जी या थ्रू डायरेक्ट। मेरा अपना नंबर है, आप किसी पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे नीचे चलेगा ही। आप उस पे व्हाट्सएप करिए, आप अपनी इंक्वायरी छोड़िए, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी एंड आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन हम देंगे। रेस्ट एट द एंड ऑफ द लाइक यू नो दिस होल टॉक, एट द एंड ऑफ दिस गुड मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन, आई विल अगेन से बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। तो दर्शकों, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप भी बुलिंग का शिकार हो रहे हैं अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में, कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, तो जुड़िए। समय है जुड़ने का, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करने का। ये जो नंबर इस समय फ्लैश हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं हमसे। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको अपने बच्चे की फिक्र है, लगता है कि आपका बच्चा भी इन सब सिचुएशन से गुजर रहा है, शिकार है इन सब सिचुएशंस का, तो प्लीज़ तुरंत एक्टिव हो जाइए। अपने बच्चे को संभालने का समय है, उसे एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है एक अच्छे काउंसलर की जो दिल की बात को समझे, दिल की बात को समझ कर आपको बताए कि उसके साथ कैसे डील करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नेहा जी के साथ बात करने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें एक बार। उनका नंबर मैं फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पर, प्लीज़ एक्टिव हो जाइए, अपने बच्चे को लेकर सतर्क हो जाइए इससे पहले कि देर हो जाए। धन्यवाद।